हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड के कोन समोसे। बहुत अच्छे, इजी और सिंपल मेथड से बताऊंगी और ये ब्रेड के समोसे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। पैन गरम हो चुका था, सरसों जीरा डालकर उसमें प्याज डाल दिया है, एक बड़ा प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च, उसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अभी ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैं मीडियम फ्लेम पे सब्जी बना रही हूँ और इसमें अभी थोड़े थोड़े मसाले ऐड करके हम सब्जी बना लेंगे, जैसे कि हल्दी आधी चम्मच और ये है धनिया पाउडर एक चम्मच। धनिया और जीरा पाउडर मिक्स करके डाला है और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च डाला है ना, इसलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डाला है। अगर आप तीखा खाते हो तो हम ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। अभी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी मिला लेंगे इसे अच्छे से ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाए। अभी ये दो आलू मैंने बॉईल करके लिया था, अब इसको क्रश करके डालेंगे। अब ये सब्जी हम ब्रेड समोसे में फिलिंग के लिए बना रहे हैं, अब इसको क्रश करके ही डालना है और अच्छा सा टेक्सचर आएगा। अब इसे मिला लेंगे और इसका गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मिला लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। ये पाव भाजी मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ऊपर से हरा धनिया डाला है थोड़ा सा। अभी आधा नींबू का जूस भी डालेंगे, नींबू के जूस से और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अभी इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब ठंडा करने के लिए इसको बाजू में रख देंगे। तब तक हम ब्रेड के समोसे की तैयारी करेंगे। अब ये मैंने ब्रेड लिया है, इसके चारों एजेस कट करके लेंगे और ये एजेस हम अगर ब्रेड क्रम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्लाइस को हम धीरे धीरे से बेलेंगे। इतना ध्यान में रखते हुए बेलना है कि ये टूटे ना। बहुत अच्छे करारे क्रिस्पी मस्त बनते हैं इसके समोसे। अब ज़रूर बना के देखिएगा एक बार। अब इसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाए तो इसका सॉफ्टनेस आ जाएगा ब्रेड को। अब इसको थोड़ा सा मैंने एक चम्मच मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी लगाकर घोल बना लिया है। अब इसको दो साइड हम ऐसे लगा देंगे। अब लगाकर इसको कोन की शेप देंगे। हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको चिपका देंगे। अब ये कोन तैयार हो रहा है, देखिए। अब इसमें करेंगे फिलिंग। ये आलू की सब्जी ठंडी हो गई है, अभी इसको फिलिंग करते हैं धीरे धीरे से और इसको ऊपर से सील कर देंगे। थोड़ा सा मैदा का घोल बनाया था वो लगाएंगे थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से फिल कर देंगे। अब पैक कर देंगे ऐसे। देखिए ऐसे कोन तैयार करेंगे। सारे कोन तैयार करके हम गरम तेल में इसको एक एक करके फ्राई कर लेंगे और धीमी आंच पर करना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। और इसको कम समय में और कम तेल में ये बनके तैयार होते हैं। और ये समोसे हम सॉस के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ खाए जा सकते हैं। देखिए ऐसे ही करेंगे तो अच्छे बनेंगे। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छे समोसे, ब्रेड के समोसे
तैयार होते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।